धर्म न दूसर सत्य समान। अच्छा दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, पूजा किसकी करें? मंदिर में जाते हैं तो बहुत से भगवान हैं, कोई कहता है शिव जी की पूजा करो, कोई कहता है जो कृष्ण उपासक है वो कहता है कृष्ण को भजो, जो राम उपासक है वो कहता है राम को भजो, कोई कहता है हनुमान जी की सेवा करो, तो कोई आ गया भैया आदि शक्ति परम्परा जगदम्बा को मनाओ। अब जो साधारण भक्त है वो तो वहीं से पागल हो गया कि कोई पंडित जी ये कह रहे हैं, कोई पंडित जी ये कह रहे हैं, हम मनाएं किसको, पुकारे किसको। तो सरकार श्रीमद् भागवत के प्रथम में ही बता दिया गया, कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन उस परात्पर अखिलेश्वर का स्वरूप केवल एक है। उस विराट नारायण के स्वरूप से ही समस्त प्रकट होते हैं। जैसे कि मैं प्रायः अपनी कथाओं में पूछा करती हूँ, कोई यदि आपसे पूछे कि आपके पिता कितने हैं, आपके पिता कितने हैं, तो क्या बताएंगे? एक एक संत ने वृंदावन में पूछा कि भगवान कौन है या भगवान के स्वरूप कितने हैं, तो दूसरे संत ने उत्तर में प्रश्न कर दिया, क्या प्रश्न किया? एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को बारो, जामे से कौन सो तुम्हारो। समझ में आया है? नहीं, नहीं, पुनः बोले, सुनिएगा। आपके पिताजी हैं, उनको कहा जाता है एक बाप तेरे चाचा को भाई। आपके पिताजी आपके चाचा जी के कौन है? भाई। एक बाप तेरे नाना को जमाई, वही पिता नाना जी के जमाई, और एक बाप तेरे फूफा को सारू, वही पिताजी फूफा जी के क्या लगे लगे, समझ जाइए। और एक बाप तेरी दादी को बारो, मतलब उसी पिता को जन्म किसने दिया, आपकी दादी माँ ने, तो जामे से कौन सो तुम्हारो, मतलब अब कौन से पिता आपके हैं आप डिसाइड कर लो, चाचा के भाई वाले या कि नाना के जमाई वाले। बीच से एक भक्त खड़ा हुआ था हमारी कथा में, बोला बहन जी चारों ही हमारे हैं, मतलब क्या पिता चार हो गए? नहीं, अरे भैया पिता एक है, उसको चाहे आप चाचा का भाई कह लो या नाना का जमाई कह लो, पिता बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, वो बदलने वाला नहीं है, चाहे राम रूप में भजो चाहे कृष्ण रूप में भजो, वो कहीं दूसरा होने वाला नहीं है। हम अपने भाव दूसरे कर देते हैं, लेकिन भगवान कहीं बटने वाला नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। सरकार राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। बस भगवान को जहाँ जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में आकर के और अपने भक्तों की रक्षा करता है। कितने अवतार हुए कुल मिलाकर के प्रभु के? 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, और इन्हीं अवतारों में जो दो अवतार हुए जिन्होंने भक्तों के हृदय में भक्ति को अधिक से अधिक जागृत करने का प्रयास किया है, वो राम और कृष्ण के हैं। और उसके पश्चात इन्हीं अवतारों में से एक है जिनका नाम है वेदव्यास जी महाराज, और उन्हीं वेदव्यास जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण नाम की संहिता रची और कृपा करके हम सबके सामने लाई है, जो भागवत आज आपके यहाँ चल करके आया है।